अल्लाह अल अज़ीज़ ऐसे है कि जो आपको ऐसे इज्जत देता है, जो आपको ऐसे सपोर्ट करता है कि आप फाते बन जाएं, यानी वो कॉन्स्टेंटली इंसान को ऑनर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता रहता है। उसकी सपोर्ट कॉन्स्टेंटली बंदों के साथ अपने रहती है। सूरह यासीन में ये लफ्ज़ आया है, जब अल्लाह ने कहा कि हमने दो रसूल भेजे और उन दो की सपोर्ट में हमने तीसरा भेजा। सूरह यासीन की आयत नंबर 14 में आता है, इद अरसलना इलैहिमुस्नैनी फकद्दबूहुमा फअज्जज़ना बिसालिसिन। जब हमने दो को उनमें भेजा और उन्होंने उन दोनों को झुटलाया, फअज्जज़ना, तो फिर हमने उन दोनों की मदद की, सपोर्ट की, बिसालिसिन, तीसरे से। तो अल्लाह कैसा अल अज़ीज़ है जो अपने बंदों को ऐसे सपोर्ट करता है कि वो फाते बन जाएं। और फाते चाहे वो दुनिया की ज़मीन और दुनिया की ज़िंदगी को फतह करने वाले हों, या वो अल्लाह की बात मानकर दिलों को फतह करने वाले हों। और दिलों को फतह करना ज़्यादा मुश्किल काम है। किसी ज़मीन का टुकड़ा फतह कर लेना इज़ द ईज़िएस्ट थिंग। जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना। एक टारगेट लें अपने लिए कि मैंने इन छुट्टियों में किसी एक इंसान का दिल फतह करना है। अल्लाह हमें इस टारगेट को अचीव करने वाला बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर एक का दिल फतह कर लिया करते थे। तो आपको और मुझे भी अपने अंदर चीज़ लेकर आनी है अपने